हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं कढ़ाई पनीर की रेसिपी। कढ़ाई पनीर भारतीय खाने में बहुत ही लोकप्रिय है। पनीर को कई खुशबूदार मसालों के साथ टेंगी ग्रेवी में डालकर पकाया जाता है। कढ़ाई पनीर एक ऐसी डिश है जिसे नॉन वेज और वेज खाने वाले दोनों ही पसंद करते हैं। अगर आपके घर पर कोई डिनर पार्टी होने वाली हो तब भी आप इसे इस मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए जो सामग्री हमें आवश्यक होती है उसमें जो है कुछ ये मेन होता है, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, काजू है। काजू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 गार्लिक ले लिए हैं, छोटे छोटे गार्लिक के पीस हैं ये, अगर बड़े हों तो आप 2 ही लें। गार्लिक को अच्छे से छील लें और छीलने के बाद इसको 2 हरी मिर्च ले लें और उसके साथ ही हमने लिए हैं ये 15 से 20 काजू हैं। इसके साथ ही एक प्याज कटी हुई ली है और 2 टमाटर, लाल रंग के बड़े साइज के 2 टमाटर हैं। इसके साथ ही हमने लगभग 300 ग्राम पनीर यहाँ पर ले लिया है। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। पनीर के टुकड़े आप अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसे टुकड़े पसंद हैं आप उस साइज के टुकड़े थोड़े छोटे या थोड़े बड़े कर सकते हैं। और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। पनीर के सारे टुकड़ों को हमने इक्वल साइज में काट लिया है। इनको आप और थोड़ा छोटा करना चाहें तो थोड़ा और भी छोटे हो सकते हैं। इसी तरह से हमें अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। पनीर को काट लिया है, अब हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और उस जार में हम ये जो मसाला है इसको हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है। अब हमने मिक्सी का जार ले लिया है तो अदरक के टुकड़े के हम 2 से 3 पीस कर लेंगे इसमें डालने के लिए। इसके साथ ही 2 हरी मिर्च को डाल देंगे, साथ ही हम डाल देंगे ये जो गार्लिक हमने छीले थे। इसके साथ ही 2 टमाटर को हम रफली चॉप करके डालेंगे क्योंकि हमें इन सब का जो है एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। इसके साथ ही हम 20 से 30 काजू जो है वो इसमें डाल देंगे, इसको भी हम टमाटर के साथ पीस कर बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये जो प्याज है इसका हम आज पेस्ट नहीं बना रहे हैं, इसके लिए हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। और ये देखिए महीन साइड वाले ग्रेटर से हम इधर से इसको ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह छोटा छोटा इसको काट कर भी डाल सकते हैं या फिर चॉपर से आप बारीक इसको चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ आज इसको कद्दूकस से थोड़ा कस लिया है। इसके साथ ही जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ये जो थोड़ा सा बच गया है ना जार में, इसमें हम 1 कटोरी पानी डालकर, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, 1 कटोरी पानी डालकर हम बाद में इसे ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए अब पनीर को हम कर लेते हैं इकट्ठा और हम इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं। सबसे पहले हमने नमक मिला लिया है थोड़ा सा टेस्ट के लिए और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे और इन सबको अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद हम लगभग 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे मसाले पनीर में अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम रख लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में लगा लेते हैं हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शैलो फ्राई करेंगे सबसे पहले पनीर को। पनीर को हमें तलना नहीं है, यहाँ पर हमें पनीर को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इसको चलाते हुए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है सब तरफ से, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए और मसालों की खुशबू अंदर तक इसमें चली जाए। अब पनीर को हम निकाल लेंगे, और निकाल कर हम बाकी बचा जो तेल है उस तेल में हम और मसालों को डाल देंगे। खड़े मसालों में सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक छोटी हरी इलायची का, जिसको हम इसमें सबसे पहले डालेंगे। एक हरी इलायची, एक लाल बड़ी इलायची और एक तेजपत्ता डाल देंगे, और इसके साथ ही हम 1 चम्मच जीरा इसमें डाल देंगे। और जीरे के साथ ही हम प्याज को जो हमने कद्दूकस किया था उसको डाल के इसको भून लेंगे। क्योंकि जब जीरा चटकने लगा है तो हमने उसमें अदरक का पेस्ट डालकर हल्का भूरा होने तक भूना है। अब हम इसको चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और तेल अलग होने तक हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें काजू और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वाला पेस्ट डालकर तेज आंच पर भूनेंगे, और जब तक पनीर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए जब तक हम इसको भूनेंगे। इसको लगातार चलाते हुए हम भूनते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। साथ में हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और इसके साथ ही हम 1 चम्मच चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डालेंगे, और इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। और इसके साथ ही हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें। अब इसको हम ढककर पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। और देखिए बॉईल आ गया है। अब इसमें पनीर को डाल देंगे, और तेज आंच पर ही हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे जब तक पनीर मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। 5 मिनट के लिए हम ढक के मीडियम गैस पे इसको गर्म करेंगे, और गैस को अब बंद कर देंगे। कढ़ाई पनीर को आप चाहें तो हरे धनिए के साथ सजाकर सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लजीज होता है, और इसे आप नान या रोटी या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी? अगर रेसिपी आपको पसंद आई है, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले।